सोलन लक्कड़ बाजार में नगर परिषद ने पानी की पाइप की लीकेज को ठीक करवाने के लिए गड्ढा तो कर दिया, लेकिन शायद ये भूल गई कि इस गड्ढे को दोबारा बंद भी करना है। ये गड्ढा यहाँ से गुजर रहे लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। गौरतलब है कि ये गड्ढा जब भी किया गया तो पता चला कि लीकेज वाली पानी की यहाँ बड़ी पाइप गंदे पानी से होकर गुजर रही है, जहाँ से सीवरेज का पानी भी गुजरता है, जिसके चलते आस पास रह रहे लोगों को जहाँ निकलती दुर्गंध को झेलना पड़ रहा है, वही उन्हें पानी दूषित होने का भी डर सता रहा है, जिसकी वजह से कई बीमारियां भी फैल सकती हैं। रोष प्रकट करते हुए लक्कड़ बाजार के निवासियों ने कहा कि लक्कड़ बाजार का ये गड्ढा काफी समय से यूं ही खुला पड़ा हुआ है, जिसमें यहां से गुजरते बच्चे और बुजुर्ग इसमें गिर सकते हैं, लेकिन हद तो ये है कि नगर परिषद इसे समय पर ठीक करवाकर बंद नहीं कर रही है। पीने के पानी के इस पाइप के पास से गंदा पानी भी गुजरता है, जिससे पानी दूषित हो सकता है, कई बीमारियों का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि गंदा पानी इस गड्ढे में जमा होने की वजह से इतनी दुर्गंध आती है कि यहाँ से निकलना भी दुर्बल हो चला है, इसलिए वे नगर परिषद से आग्रह करते हैं कि वे इस मामले में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करें, ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। मैं चौक बाजार की रहने वाली हूँ और ये नगर परिषद द्वारा महीने से किया गया गड्ढा है। यहाँ पर आने जाने वालों को बहुत समस्या हो रही है और स्मेल की भी बहुत परेशानी है। यहाँ पर घाक बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं यहाँ दुकानों पे आने से। सारा टाइम ये पानी की बाटियाँ भर के कीचड़ भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये सारा बाज़ार भी गंदा रहता है। और रात के वक्त भी हमें बहुत जैसी परेशानियाँ हो रही हैं, कई बार डर लगता है कि इसमें गिर ना जाए। जैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो भी एकदम खेलते खेलते उधर की साइड को जाते हैं। तो यही निवेदन है कि इस गड्ढे को जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए, क्योंकि इसको एक महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। इस गड्ढे में दो कनेक्शन है, एक हमारे पीने का पानी का और एक सीवरेज का। सीवरेज की वजह से बहुत ज़्यादा बदबू भी फैल जाती है बाजार में, जिसकी वजह से हम दुकानदारों और आने जाने वाले लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी नगर परिषद से यही अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है ध्यान में रखकर पहले इसका काम करवाएं, जिससे कि हमारे को ऐसी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। ये गड्ढा काफ़ी टाइम से यहाँ पे है और इससे हमारे बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये गड्ढा एक महीने से यहाँ पर है और इसको ठीक करवाने का को सरकार कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है। और इस गड्ढे में से इतनी बदबू आती है कि आप पूछो ही मत, कि वो बदबू पूरे बाजार में फैल जाती है। आपको पता ही है जैसे कोरोना महामारी फैली है, तो आप खुद बताओ कि इतनी बदबू में कौन कैसे रहेगा। और इतनी बदबू में कोरोना हो ना हो, कोई और बीमारी तो लग ही जाएगी। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये जल्द से जल्द ये गड्ढा भरवाएं और हमारी सहायता करें। गड्ढे की वजह से सबसे पहले तो बाजार में आने का मन नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है। ऊपर से जब रात को लोग चलते हैं तो उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं गलती से वो उस गड्ढे में ना गिर जाए। बच्चे खेलते हैं, साइकिल चलती है, इतने सारे बाजार में कुत्ते हैं, कोई भी गिर जाए, किसी को क्या पता लगेगा कि क्या हो जाए उनको। सो वी रिक्वेस्ट अपनी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इस गड्ढे को बंद। गड्ढे से नीचे से कूड़े नाले आने वाले लोगों को बहुत मुश्किल पैदा हो रही है, जिससे कि नीचे से लोग जो आ रहे हैं उनको ऊपर आने दिक्कत है। यहाँ से अगर गाड़ी वाला भी जाता है तो उसका दुर्घटना संभव क्षेत्र बन चुका है। ये अपने एक महीने पहले गड्ढा खोदा था जो कि अभी तक नहीं भरा गया है। इसमें पीने योग्य पानी जो होता है वो भी गंदे पानी के साथ मिक्स होकर जा रहा है, जिससे सोलन वासियों को दूषित पानी मिल रहा है, जिससे बीमारियों का आंकड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। कोरोना जैसी महामारी में इस समस्या को प्रबंध करना चाहिए, समस्या का इस गड्ढे को जल्द से जल्द बनना चाहिए, ताकि ये गड्ढा किसी को दुर्घटना नहीं हो पाए।